मुशायरा शुरू किया जाए। खत किसी का लेके आया था बड़ी ही शान से, उनका गुस्सा देखकर कासिद कबूतर बन गया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हम उनके चार डाल की तारीफ क्या करें, वो यूं चले के बद में भौचाल आ गया। अर्ज करती हूँ, ये बचपन जवानी का मेहमान है, जवानी मोहब्बत का ईमान है। फरिश्तों ने सजदा किया है जिसे, मोहब्बत खुदा का वो फरमान है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मिर्जा चंगेजी, अब तुम सुनाओ। अर्ज करता हूँ, मोहब्बत सदा मुस्कुराती रहेगी, ये महफिल यूं ही जगमगाती रहेगी, ये खुशियों के मेले कभी कम न होंगे, ये सब कुछ रहेगा मगर हम न होंगे। वाह वाह, बहुत खूब। एक बार फिर पढ़ो मिर्जा चंगेजी, तुम्हारे अशार हमें बहुत पसंद आए। मोहब्बत सदा मुस्कुराती रहेगी, ये महफिल यूं ही जगमगाती रहेगी। नमाज का वक्त हो गया, अब मुशायरा परसों होगा। मिर्जा, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए? अरे तुम तो उदास हो गए। बता मिर्जा, क्या बात है? मैं जा रहा हूँ। कहाँ? बहुत दूर, गुजरात। क्यों? मेरे अब्बा को आलमपना ने गुजरात का मुफ्ती बना दिया है। ये बजुन सुनी हो जाएगी, खेल कूद खत्म हो जाएंगे। मिर्जा, तुमने खबर सुना के हमें परेशान कर दिया। शहजादी आलम, क्या आपको मेरे जाने का दुख है? हाँ मिर्जा, मुझे भी बहुत अफसोस है। न जाने क्यों दिल आपके पास से जाने को नहीं कहता। क्या आपका दिल भी यही कहता है? हाँ मिर्जा, हमारा दिल भी यही कहता है। जहाँ रुक क्यों गए, आगे कहो। तुम्हारे मुँह से जहाँ आ रहा बहुत अच्छा लगता है। जहाँ आ रहा, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब तुमसे ही शादी करूँगा। जवाब दो, मुझसे शादी करोगी ना? बोलो जहाँ आ रहा, तुम्हें मेरी कसम। हाँ देखो मिर्जा, तुम शेर कहना ना छोड़ना, एक दिन तुम बहुत बड़े शेर बनोगे। मैं हमेशा शेर कह करके भेजता रहूंगा। कैसे भेजोगे मिर्जा? कबूतर के पर में बांध के उड़ा दूंगा, कबूतर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा।
ला वापस कर दे। क्यों? बचपन के सारे खुद तो मैंने पढ़े और अब पढ़ ली। बेगम साहब, मिर्जा का सलाम कबूल फरमाइए। दिल में हजारों तमन्नाएं और आंखों में दीदार का शौक लिए हुए शाही मुशायरे में हाजिर हो रहा हूं। मतलब अर्ज है, किसी की याद में दुनिया को हैं भुलाए हुए, जमाना गुजरा है अपना ख्याल आए हुए। बाकी गजल मुशायरे में सुनाऊंगा। आपका मिर्जा। जय शाह दौरा दिल सुभानी, जय शाह हिंद, आला हजरत शाहजहां तशरीफ ला रहे हैं। मुशायरा शुरू किया जाए। पहली जा एक रुबाई पेश करता हूं। जर्रे में हूं कभी तो कभी मेरो माह में, दोनों जहां के राज हैं मेरी निगाह में, मेरी पनाह में है जमाने की गर्दशें, लेकिन मेरा वजूद है तेरी पनाह। वाह 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 सुभान। आज से हमने बज़्म अदब को आदाब शाही की कैद से आजाद किया। महफिल में हमसे पहले कोई भी फर्द दाद दे सकता है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अर्ज करता हूं, तेरी कसम जो तेरे साथ साथ आया है वो मैं नहीं हूं, मेरी आरजू का साया है। किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए, किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए, जमाना गुजरा है अपना ख्याल आए हुए, जमाना गुजरा है अपना ख्याल आए हुए। बड़ी अजीब खुशी है गमे मोहब्बत भी, बड़ी अजीब खुशी है गमे मोहब्बत भी, हंसी लबों पे मगर दिल पे चोट खाए हुए, किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए। हजार पर्दे हों पहरे हों या हों दीवारें, हजार पर्दे हों पहरे हों या हों दीवारें, रहेंगे मेरी नजर में तो वो समाए हुए, किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए। किसी के हुस्न की बस एक किरण ही काफी है,
किसी के हुस्न की बस एक किरण ही काफी है। ये लोग क्यों मेरे आगे हैं शम्मा लाए हुए, ये लोग क्यों मेरे आगे हैं शम्मा लाए हुए। किसी की याद में दुनिया को है भुलाए हुए, जमाना गुजरा है अपना ख्याल आए हुए। सुभान अल्लाह, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मिर्जा यूसुफ चंगेजी, हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें दरबारी शायर का रुतबा अता फरमाते हुए हम इस बात की इजाजत देते हैं कि तुम जो चाहो मांग लो, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। आले जा, अहले दरबार को हजरत बेगम साहब का कलाम सुनने का शरफ बख्शा जाए। चंगेजी, जिल्ले सुभानी बज़्म अदब को आदाब शाही की कैद से आजाद फरमा चुके हैं। इजाजत है। जहां आ रहा जी,
सलाम कबूल फरमाइए। मुबारक हो, वक्त ने आपको बहुत बड़ा शायर बना दिया। जी वक्त ने नहीं। फिर किसने? आपने। हाय अल्लाह। मैंने कोई गुस्ताखी तो नहीं की? जी जी नहीं। अच्छा ये बताइए, आपको बचपन के दिन भी याद हैं? जी हाँ, सब कुछ याद है, लेकिन ये याद नहीं कि उस वक्त हमारे बीच में दीवार भी होती थी या नहीं। आपको कुछ याद है? जी नहीं, नहीं होती थी। फिर आज हमारे बीच में ये दीवार क्यों है? दीवार मुझे तो नजर नहीं आ रही है। फिर आइए, उसी जगह बारादरी में बैठ जाइए। मैं आपके सामने बैठ के आपको अपना कलाम सुनाना चाहता हूँ। बेगम साहब, मलकयानम आपको याद फरमा रही है अभी इसी वक्त। आप जाइएगा नहीं, मैं अभी आती हूँ। बेगम साहब, मलकयानम के बहाने से मैं आपको यहाँ लाई हूँ। क्यों? बेगम रोशन आरा की कनी से चारों तरफ फिर रही हैं, लेकिन वो आप फिक्र न कीजिए, मैं उन्हें तहखाने के रास्ते से पहुंचा दूंगी। तो फिर जल्दी जाओ। नहीं जा। जाओ ना। जाओ। गुल्ले, ओ गुल्ले, हुक्म कीजिए सरकार, हाजिर है खिदमतगार। गुल्ले, आज हम तुम्हारी पसंद की पोशाक पहनेंगे। बोलो तुम्हें कौन सी पसंद है? हुजूर, ईद से पहले तो तभी ईद आती है जब मिलन का दिन हो या मिलन की रात। हाँ गुल्ले, कल की मुलाकात तो अधूरी रही, इकरार मोहब्बत की सिर्फ आवाज सुनी। किसी का लजाया हुआ, शर्माया हुआ पसीने से तर चेहरा। आज देखो गुल्ले, आज की रात पर 100 ईदें को कल जब आप आई तुम्हारे खुशी के मैं अपने होश हवास खो बैठा, तारीफ ही न कर सका। किसकी तारीफ? आपके कलाम की। मुबारक हो, वक्त ने आपको बहुत बड़ी शायरा बना दिया। जी वक्त ने नहीं बनाया। फिर किसने? आपने। जहां रुक क्यों गए? आपके मुंह से जहारा बहुत अच्छा लगता है। जहारा? बचपन का ये जुमला अगर आपको अब तक याद है तो वो भी याद होगा जो मैंने कहा था। जी याद है। क्या कहा था? शर्म के धागों ने होंठ सी दिए हैं। कैसे कहूं क्या कहा था आपने? चेहरे पर से हिजाब की चिलमन उठा दीजिए। कहिए क्या कहा था मैंने? आपको मेरी पसंद। आपने कहा था, जहारा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुमसे ही शादी। हाय अल्लाह, आखिर ना कैसे। अब कहने की जरूरत नहीं, अगर आपने जुमला पूरा कर दिया तो मुझे खो बैठेंगी, हमारे खुशी के धड़कनें बंद हो जाएंगी।
क्या देख रही हूँ? देख नहीं रही हूँ, तलाश कर रही हूँ। किसको? अपने बचपन को। नहीं पहचान सकेंगे, उस वक्त ऊंचा नादान था और अब बाहरों के सबके शबाब आ चुका है। अब मैं चाहूं जा
क्या बात है करुणा? मलका आलम आपको याद फरमा रही थी, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। या अल्लाह रहम। करुणा तुम इन्हें तहखाने के रास्ते बाहर पहुंचा दो। खुदा हाफिज। ताश के बदले हमसे हमारी जिंदगी ले ले, हमारी जिंदगी ले ले। मेरी सौ जाने आप पर से कुर्बान, खुदा रहे न कहिए। अम्मी हजरत। हाँ बेटी। अम्मी हजरत। बेटी जवान, आज हम तुमसे कुछ वसीयत करना चाहते हैं। इनको तुम्हारे सुपुर्द किया। कॉल दो बेटी, इनकी आंखों से गम के आंसू कभी नहीं बहने दोगी। यकीन कीजिए, बाबा हजरत की एक छोटी सी मुस्कुराहट के लिए मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम सबसे बड़ी हो, खानदान मुगलिया की इज्जत हो। देखो बेटी, जिंदगी में ऐसा कोई कदम न उठाना। खामोशी क्यों? हम हिंदुस्तान की शहजादी जहांआरा से कॉल चाहते हैं। अम्मी हजरत, मैं कॉल देती हूँ कि जिंदगी में कोई ऐसा कदम नहीं उठेगा जिससे खानदान मुगलिया के बेकार के साथ साथ बाबा हजरत की इज्जत को आ जाए। अम्मी हजरत, ये आपकी बेटी का कॉल है, कुरान पाक की कसम। आलम पनाह। हकीम साहब, खुदा के लिए कुछ कीजिए, हमसे हमारा तख्त ताज ले लीजिए, लेकिन हमारी मुमताज को बचा दीजिए। भूषण आरा, रो नहीं, खुदा पर भरोसा रखो। आओ हम सब मिलकर अम्मी हजरत के लिए दुआ करें। परवरदिगार, हम तेरे मजबूर बंदे हैं, हम पर रहम कर, माँ का साया हमारे ऊपर से ना उठा। बेगम साहब की आंखों के आंसू सूख चुके हैं, आवाज बंद हो चुकी है। हकीम साहब कहते हैं कि उन्हें सकता हो गया है, उनकी जिंदगी खतरे में है। दरवाजा खोलिए आलम पना, भगवान के लिए दरवाजा खोलिए। क्या आप अपने गम में दुनिया को भूल के अपनी औलाद को भी भूल चुके हैं? क्या बाप की मोहब्बत और माँ की ममता से भरा दिल आलम पना के सीने में नहीं रहा? आलम पना, अगर आपकी बेटी जिंदा न रही तो कयामत के दिन आप मलका ए आलम को क्या मुंह दिखाएंगे? जवाब दीजिए। मैं इस वक्त शहंशाह हिंद से नहीं, एक बाप से पूछ रही हूँ जिसकी बेटी जिंदगी से दूर और मौत से करीब होती जा रही है। आलम पना, आपको आपकी बेटी जहान की जिंदगी का वास्ता। दरवाजा खोलिए। आपको आपकी बेटी जहान की जिंदगी का वास्ता।
बेगम साहब को रुलाए, बेगम साहब को रुलाए, बेगम साहब को रुलाए, आलम पनाह। बेटी जहान जाने पिता, तुम तो न हमसे रूठो, लेकिन हमारे कहे बगैर तुम उन्हें क्यों बुला लाई? बेगम साहब को परेशान देखकर मैंने सोचा उनके मुंह से निकले हुए तसल्ली के दो जुमले आपके जख्म पर मरहम का काम देंगे। करुणा, अब हम ना मिलने के लिए मजबूर हैं। जाओ, उनसे हमारी तरफ से कह दो कि अब हम इस जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। बेगम साहब, हाँ करुणा, उनसे ये भी कहना कि मरने से पहले हिचकी आएगी तो दो ही आएगी, एक मौत की होगी और एक उनकी याद की। याद को दिल में बसा के हमने मोहब्बत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। जाओ करुणा, जाओ। मिर्जा साहब, बेगम साहब ने कहा है अब वो आपसे कभी नहीं मिलेंगी। करुणा, मजाक न करो, मजाक कभी कभी इंसान की जान ले लेता है। मैं सच कह रही हूँ, भगवान की सौगंध। लेकिन मुझसे तो ऐसी कोई खता नहीं हुई, मैं तो आज तक उनकी मोहब्बत को ईमान समझकर सजदे करता रहा हूँ। आप भी बेगम साहब की मोहब्बत को शक की नजर से न देखिए। उन्होंने ये भी कहा है मरने से पहले हिचकी आएगी तो दो ही आएगी, एक मौत की होगी और एक आपकी याद की। चलिए,
मैं आपको बाहर पहुंचा दूं। नहीं करूंगा, नहीं। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम मुझे एक बार बेगम साहब से मिला तो, सिर्फ एक बार। मैं एक रात में बहन से भीख मांगता हूँ। आपने मुझे बहन कहा, मैं वचन देती हूँ जिंदगी में एक न एक दिन आपको बेगम साहब से जरूर मिलाऊंगी। विश्वास रखिए भाई, ये एक राजपूत की बेटी का वचन है। आइए, मैं आपको बाहर पहुंचा दूं। आइए। सरकार। क्यों बे, मैंने तुझे कबूतर लाने के लिए भेजा था या कुश्ती लड़ने के लिए? क्या बताऊं सरकार, पहले वो नीम की डाल पर नजर आया, मैं चढ़ा डाल डाल तो वो चला पाट पाट, मैंने जो मौका देखकर उस पर छपट्टा मारा तो वो लपक कर इमली की डाल पर, इमली की डाल से आम की डाल पर, आम की डाल से कब्रिस्तान की दीवार पर। मैंने कहा बेटा मेरा नाम भी गुल खान है, मुल्क के अदम तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। सरकार, कान से इत्र का फाड़ निकालकर उसके सामने डाल दिया, वो रोटी का टुकड़ा समझकर उस पर चपट पड़ा और खुशबू के भपके से बेहोश हो गया। मैंने लपक कर पकड़ लिया। चलो हाथ तो आया, लाओ खत को पर में बांध तोड़ा दो। सरकार, इसके पर में बांधने की जरूरत नहीं, चोंच में थमा दीजिए, सीधा जाएगा और बेगम साहब के हाथ में पर्चा दे देगा। ये लीजिए। कौवा? जी हुजूर, कौवा बड़ा सयाना होता है, कबूतर का क्या भरोसा, जिसने मुट्ठी भर चना डाला उसी के सामने गुटरगू करने लगा। अबे अकीद के औंधे, मुझे कौवा नहीं खासी कबूतर चाहिए। जा ढाबली में पकड़ ला। अभी लाया सरकार, समझ का फेर है। मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो, तेरे पास रह के भी दूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो। बेगम साहब, नहीं करूँ ना, उड़ा दो इसे और कह दो फिर कभी पैगाम न लाए। ए कबूतर, कान खोल के सुन ले, अब कभी पैगाम न लाना, हमारी बेगम साहब को बहुत तकलीफ होती है, समझे? जाओ। करू ना, उड़ा क्यों दिया? आप ही ने तो कहा था। हाँ, हमने ही कहा था। बेगम साहब, हुक्म तो आप ही उड़ के जाऊं और रास्ते से पकड़ लाऊं। नहीं, जाने दो। बेगम साहब, कबूतर नहीं तो न सही, पैगाम तो मेरे ही पास है, लीजिए पढ़िए ना। नहीं करूँ ना, हम नहीं पढ़ेंगे। पढ़िए ना। नहीं करूँ ना, नहीं। बेगम साहब, दिल से तो आप पढ़ना चाहती हैं और जुबान से नहीं नहीं कहती हैं। अच्छी बात है, आप नहीं पढ़ती तो मैं ही पढ़े देती हूँ। मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। करुणा, हम देख रहे हैं कि तुम्हारी शरारत दिन ब दिन गुस्ताखी में बदलती जा रही है। बेगम साहब, हमें तन्हाई चाहिए। Thank you.
याद हो के न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। तुझे याद हो के न याद हो, तेरे पास रह के भी दूर हूँ। तुझे याद हो के न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। तो गिरा दिया, कहो दिल से भी क्या भुला दिया। मुझे आँख से तो गिरा दिया, कहो दिल से भी क्या भुला दिया। तेरी आशिकी का गुरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। दिल में मैं भी जरूर हूँ, तुझे याद हो कि न याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। तुझे याद हो कि न याद हो, तेरे पास रह के भी दूर हूँ। तुझे याद याद हो, मैं तेरी नजर का सुरूर हूँ। मोहब्बत वो धड़कन है जो खुदा की तरफ से दिल में पैदा होती है। जहां आरा सोचती क्या है, जिंदगी मोहब्बत के बगैर ऐसी है जैसे जिस्म बगैर रूह। तू अपना खाली दिल लिख के उन्हें भेज दे, सोचती क्या है, लिख। देखो बेटी, जिंदगी में ऐसा कोई कदम न उठाना जिससे खानदानी विकार के साथ साथ तुम्हारे बाप की इज्जत खाक में मिलकर रह जाए। बेगम साहब, बेगम साहब, इश्क और मुश छुपाए नहीं छुपता। करुणा, ये तुम कह रही हो? हमें तो तुम्हारे सहारे की जरूरत है, और तुम चाहती हो कि हम अपनी जगह से गिर जाएं? बेगम साहब को अपना फर्ज प्यारा है, और इस दासी को बेगम साहब की जिंदगी। भगवान के लिए सब कुछ भूलते हुए मोहब्बत को गले से लगा लीजिए। करुणा, आज तुम अपने सीने में थोड़ी देर के लिए शहनशाह हिंद की बेटी जहां आरा का दिल रख के जहां आरा बन के इस जगह बैठ जाओ। बखुदा, हम फैसला तुम पर छोड़ते हैं। तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। बेगम साहब, मैं झोली फैला के आपसे आपकी और उनकी जिंदगी की भीख मांगती हूँ। भगवान के लिए इतनी कठोर न बनिए,
सिर्फ खानदान मुगलिया की इज्जत को कायम रखने के लिए मोहब्बत को बदनाम न कीजिए, नहीं तो दुनिया आपको बेरहम और बेवफा के नाम से याद करेगी। बेगम साहब, आप चुप क्यों हैं? माँ को दिए हुए कॉल को भुला दीजिए, बाप की इज्जत को मोहब्बत के ऊपर से कुर्बान कर दीजिए। ये मत सोचिए कि दुनिया आपको क्या कहेगी, आने वाली नस्लें क्या कहेंगी, तारीख क्या लिखेगी। बेगम साहब, मोहब्बत का सर बुलंद कीजिए, मोहब्बत का मान रखिए, मोहब्बत की इबादत कीजिए, मोहब्बत के सामने अपना सर झुका दीजिए। करना जी बेगम साहब। बेगम साहब, माँ को दिए हुए कॉल, बाप की इज्जत और खानदानी मोगलिया पर से कुर्बान हो जाइए। करुणा बेगम साहब, बेगम साहब। तेरा जलवा है जहां, मेरी जन्नत
सनम आज ये कसम खाए, फासले प्यार के मिटा डाले और दुनिया से दूर हो जाए। ए सनम आज ये कसम खाए, घड़ी इश्क की एक ताजा कयामत होगी। देख कर मुस्कुराएगा खुदा और सोचेगा जरा इश्क क्यों पैदा किया, इश्क क्यों पैदा किया, इश्क क्यों पैदा किया। आज ये कसम खाए, मुड़ के अब देखने का नाम ले, प्यार की वादियों में खो जाए। ऐसा नम आज ये कसम खाए, फासले प्यार के मिटा डाले और दुनिया से दूर हो जाए। सनम आज ये कसम खाए, सनम आज ये कसम खाए, सनम आज ये कसम की बेटी ना होती, किसी गरीब किसान की बेटी हो। गुल्ले, तुम एक बार मुझे किसी तरह किले में पहुंचा दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं करूंगा। किले में सरकार? हाँ। आ गई, आ गई तरकीब, आ गई। हुजूर, आप मुंह हाथ धोइए और खाना खाइए और ये समझिए कि आप वहां पहुंच गए। बिजली बहन, अरे हो बिजली बहन, हाय हाय घर में हो। अरे कौन है तू, कहां से आई है, मैंने पहचाना नहीं। मैं हूं तेरी खालाजाद बहन। अरे खालाजाद बहन, हाय हाय पत्थर पड़े तेरी समझ पर, अरे आंखों पर चर्बी छा गई है क्या। मैं वही हूं तेरी बचपन की सहेली, 20 वर्ष के बाद वापस आई हूं। अरे ठहर मुर्दार, कुछ याद तो आ रहा है। अरे कहीं तू वो तो नहीं है, वो कौन है, जल्दी बोल, जल्दी बोल ना। अरे झाड़ू फिरी तूफानी, मेरी जाहू पहचाना। हाँ हाँ मैं हूँ तूफानी, तूफानी खानम। अरे तूफानी खानम, खरी काहे को है, बैठ बैठ, तेरा ही घर तो है। आए आए कुर्बान जाओ, बड़ा रंग रावण चढ़ा हुआ है। हट मुई, नजर ना लगा, ये तो जवानी का निखार है। आए आए, सुना है बड़े ठाट है बिजली के, सारे रंग महल पर हुकूमत है। आए तो अल्लाह की देन है, ये ले पूरी 100 अशरफिया है। देखती क्या है, ये तो पेशगी है पेशगी। अरे पर करना क्या है, बताती हूँ सुन। मेरे अमीर दादे मिर्जा चंगेजी को बेगम साहब तक पहुंचा दे। क्या कहा, बेगम साहब तक? अरे मुर्दार होश में है या नहीं? अरे डरती क्यों है, कान में सुन, मैं सब कुछ समझाए देती हूँ, सुन। चल हट मुर्दार, बेशरम खाजा तरह होके ऐसी बातें करती है। जा शाम को ले आइयो साथ, पहुंचा दूंगी। कुर्बान जाओ बहन, तो कितनी अच्छी है। Thank you.
बेगम साहब, इस गुस्ताख का सलाम करो। यहाँ हमारी ख्वाब काम है, मालूम होता है आप अपने होशो हवास खो चुके हैं। बेगम साहब, क्या वो इंसान अपने होशो हवास में रह सकता है जिसकी उम्मीदों पर खाक और अरमानों पर पानी फिर गया हो। हम दुनिया के रंजो अलम सह सकते हैं, लेकिन गुस्ताखी नहीं सह सकते। इस गलत कदम को उठाने से पहले आपने ये ना सोचा कि अंजाम में आपको मौत नसीब होगी। मैं जानता हूँ मुझ पर कहर शाही नाजिल होगा, मैं ये भी जानता हूँ कि मैं जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाऊंगा, फिर भी दीदार की तमन्ना दिल में लिए हुए मोहब्बत के सबूत में सर हथेली पे रख के आया हूँ। सबूत मोहब्बत का नहीं, आप अपनी खुदगर्जी का दे रहे हैं। बेगम साहब, खुदारा गरीब के मोहब्बत भरे दिल को सोने और चांदी की बनी हीरों जड़ी पापों से ठोकर न मारिए। इस दिल में मोहब्बत के साथ गैरत भी है। आपके दिल में अगर जरा भी गैरत होती तो रंग महल में चोरों की तरह कदम रखने से पहले आपने ये सोचा होता कि आपकी ये हरकत हमें कहीं का ना छोड़ेगी। आपने ये सोचा होता कहीं हमारी ख्वाबगाह से निकलते आपको किसी ने देख लिया तो हम पर, हमारी पाकिजगी पर, हमारी इज्मत पर रंग महल का एक एक पर्द उंगलियां उठाएगा। हमारे खानदान पर दुनिया वालों के साथ साथ तारीख भी हंसेगी। आने वाली नस्लें हमें आवारा और बच्चलन कहेंगी। जवाब दीजिए, क्या यही आपकी मोहब्बत है? क्या यही आपकी गैरत है? इस दिल को क्या कहूं जिसने सोचने का मौका ही न दिया कि आग लगाने वाले बुझाते नहीं, दामन से हवा देते हैं। मिर्जा साहब, हमने आपको इबादत का दर्जा दिया, आपके नाम की तस्बीह बनाई और आपने आपने उसके दाने बिखेर दिए। जाइए, चले जाइए, हम आपकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत शर्मिंदा हूं बेगम साहब, मुझे माफ फरमाइए। मैं धोखे से शहंशाह हिंद की बेटी की ख्वाबगाह में आ गया। मुझे तो अपने बचपन की साथी जहान आरा की तलाश थी। अब वो जहान आरा इस दुनिया में नहीं, अपनी मोहब्बत को फर्ज पर कुर्बान करके वो एक राजपूत बेवा की तरह सती हो गई। मिर्जा साहब, इश्क सैलाब है और डूब जाना जिंदगी। जहां आरा तो गर्क हो गई, आप भी फना होकर जिंदगी हासिल कर लीजिए। मिर्जा साहब, पर चली करो। बेटी रोशन, अब तुम जा सकती हो। दारा, उस शहर को हमारे हुजूर में पेश करो। हम जानना चाहते हैं हिंदुस्तान के शहंशाह के करीब आ तक कैसे पहुंचा। बाबा हजरत के हुक्म की तामील होगी। मिर्जा चंगेजी, हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारा इस तहरीर के साथ क्या रिश्ता है। आलीजा, वही रिश्ता जो जिस्म के साथ रूह का होता है। तो तुम्हें इकबाल जुर्म है। जिल्ले सुभानी,
इकबाल जुर्म वो करता है जो मुजरिम होता है। इस गुलाम से तो कोई खता नहीं हुई। तुम्हारी खता तुम्हारे सामने हम दोहराते हैं। अपनी हैसियत को फूटते हुए तुमने हमारी इज्जत पर आबू से खेलने की कोशिश की। अपनी हैसियत को फूटते हुए तुमने शहजादी हिंद की मोहब्बत के ख्वाब देखे। अपनी हैसियत को फूटते हुए रात की तारीखी में तुमने जनानी महल में कदम रखा। यही तुम्हारी खता है, यही तुम्हारा जुर्म है। आलीजा, मोहब्बत जुर्म नहीं, मोहब्बत तो नूरानी कलमा है जिसे कुदरत के नूरानी हाथों ने नूर भरे दिल पर लिखा है। और वो नूर भरा दिल सिर्फ शहंशाह वक्त के सीने में ही नहीं, छोटे से छोटे इंसान के सीने में भी। तुम्हारी ये मजाल कि तुम कहरे शाही की परवाह न करते हुए हमारे हुजूर में खड़े होकर हमसे बराबरी का दावा करो। आलम पना, बराबरी का दावा नहीं, ये हकीकत है। मिर्जा, जो निस्बत खाक राबाल में पाक, फर्श का रिश्ता अर्श के साथ कभी नहीं हो सकता। हो सकता है आलीजा, क्या आलम पन्हा ने जन्नत मकानी मलके हिंद मुमताज महल से मोहब्बत नहीं की? क्या मलके हिंद आलम पन्हा के कदना मुलाजिम आसिफ जाह की बेटी नहीं थी? क्या आलम पन्हा के वालिद माजिद ने मलके नूर जहां से एक मुफलिस और नादार मिर्जा गयाज की बेटी से मोहब्बत नहीं की? मिर्जा चंगेजी, होश में आओ। मोहब्बत की दुनिया तख्त तो ताज की दुनिया नहीं होती। मोहब्बत की दुनिया में शहनशाह नहीं होते आलम पना, सब फकीर होते हैं। मिर्जा, मां बदौलत का एक इशारा तुम्हारी इन बेशर्म आंखों से रोक सकती और इस गुस्ताख दिल से टकरे छीन सकता है। आलम पना, मुझे जिंदा जमीन में दफन कर दें चाहे दीवार में चुनवा दें, मैं ये जरूर कहूंगा कि एक तरफ तो आलम पना अपनी मोहब्बत को रहती दुनिया तक कायम रखने के लिए ताजमहल तामीर करवा रहे हैं और दूसरी तरफ आली जहा की निगाहों में एक मुफलिस की मोहब्बत ऐसा जुर्म है जिसकी सजा आंखों की रोशनी और दिल की धड़कनें छीन लेने से पूरी होती है। आली जहा, अगर यही अदले जहांगीरी है, अगर यही जिले सुबहानी का इंसाफ है, तो हुक्म दीजिए कि गरीब मिर्जा का दिल सिर्फ इसलिए काट कर फेंक दिया जाए कि उस दिल में शहजादी हिंद की पाक मोहब्बत का नूर भरा। हमने सुना है आलम पना ने मिर्जा चंगेजी की मौत का हुक्म दे दिया है, क्या ये सच है? जी बाजी बेगम। लेकिन लेकिन वो तो बिल्कुल बेगुनाह है। वो बेगुनाह है, ये आप कह रही हैं? बाजी बेगम, उसने आलम पना की आबरू पर छींटे उड़ाए हैं, भाई की गैरत को ललकारा है, उसे मौत से भी भयानक सजा मिलनी चाहिए। नहीं दारा, इसमें सिर्फ उनका ही कसूर नहीं, कसूर हमारा भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने होश और हवास खो बैठे हैं। खुदा के वास्ते तुम कुछ भी करो, उनकी जान बचा लो, नहीं तो ये खून हमारे सर पर होगा। दारा, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बाजी बेगम, मैं उसे बचा लूंगा। आप मुझे क्या बचाएंगे शहजादे? मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए जो किसी के रहम करम के मोहताज हो। मिर्जा, दिल तो यही कहता है कि हुक्म शाही की तामील हो और तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके शहर बना के फाटक पर लटका दिए जाए। फिर हुक्म की तामील में देर क्यों हो रही है? इसलिए कि हुक्म शाही के साथ हमें बेगम साहब की ख्वाहिश का भी एहतराम है। वो चाहती हैं कि तुम्हारी जान बख्श दी जाए। मिर्जा, तुम आगरे की सरजमीन से हमेशा के लिए इतनी दूर चले जाओ जहां से आलम पना के कानों तक तुम्हारे जिंदा रहने की खबर न पहुंच सके। तुम आलम पना की निगाहों में मर चुके हो। दारा, अगर तूने बाजी बेगम से यह कह दिया कि तूने मिर्जा को बचा लिया तो मोहब्बत की सुलगती हुई चिंगारी एक न एक दिन शोला बन के खानदान मुगलिया की इज्जत को जला के राख कर देगी। अकलमंदी इसी में है कि बाजी बेगम से यह कह दे कि उसकी जिंदगी खत्म कर दे। क्या हुआ दादा? बाजी बेगम, जिंदगी खुदा की अमानत है जिसे वो जब चाहता है किसी भी बहाने वापस ले लेता है।
मेरे पहुंचने से पहले ही उसकी जिंदगी खत्म कर दी गई थी। पानी लाना। आया हुजूर। मियां मस्तान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियां अरमान मौला बहुत दिनों के बाद आना हुआ। मियां जानी, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। लो शायर आजम आ गए, अभी शायरी का चक्कर चलाता हूँ। ना छोड़ो यार, तुम तो जानते हो कि हरफन को भूलने की बीमारी है, अपना शेर खुद ही भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तो बेचारे को जान के लाने पड़ जाते हैं। चाचा मैं जानता हूँ। बखुरदार, उस दिन की बात याद है जब मिश्रा अटक गया तो बेचारे मरते मरते बचे। चाचा तुम फिक्र मत करो, बस तमाशा देखते जाओ। अच्छा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, सलामत रहो बरगुजार। हुजूर सहमत ना हो तो वही शेर फिर सुना दीजिए जो पिछले महीने की पहली तारीख को आपने परवानों की महफिल में पढ़ा। मैं आज कदरदान मालूम होते हो, तकिए पे चले आना, पूरी गजल लिखवा दूंगा। लो खाना नोश फरमाओ। आप बिस्मिल्लाह कीजिए ना। ये बताओ कि शेर सुनने का ही शौक है या कुछ कहते भी? जी नहीं, मैं तो सिर्फ सुनता हूँ और याद कर लेता हूँ। हाँ, सुनता हूँ और याद कर लेता हूँ तो फिर हमारा शेर कैसे भूल गए? जी भूला नहीं, कुछ इस तरह था कि प्यार की राह में कुछ भी ना मिला, हाय सितम। हाय हाय, मियां जानी याद आ गया, क्या जोरदार शेर कह दिया था हमने। कूदे को दरिया में खत्ते रहेगी, दरिया को कूदे में बंद कर दिया था। प्यार की राह में कुछ भी ना मिला, हाय सितम। दूसरा शेर अर्ज करता हूँ, मेरा मतलब मिसरा अर्ज करता हूँ। तेरे की लाहौल मिला कुबर, दूसरा मिसरा कहाँ गायब हो गया? वो था कि प्यार की राह में कुछ भी ना मिला है सितम, प्यार की राह में कुछ भी ना मिला है सितम। भाई दूसरा मिसरा तू ही कह देना। हुजूर इसके आगे तो मुझे भी कुछ याद नहीं। तेरे की अगर दूसरा मिसरा अलग से बाहर नहीं आया तो खाना अलग के अंदर कैसे जाएगा? प्यार की राह में कुछ भी ना मिला है सितम, प्यार की राह में कुछ भी ना मिला, और वो दूसरा जाके फिर दूसरा प्यार प्यार की राह। भाई कोई भी अपनी तरफ से मिसरा लगा दे तो खत्म हो जाएगा, ये अटका हुआ मिसरा हमारी जान लेकर जोड़ेगा, मर जाएगा। खुदा की कसम हमने झूठ बोला था, ये हमारी कसम का जेब नहीं है, ये न जाने कहां से उठा लाया है। न जानना पहचानना तेरा मेहमान हो मेरा मिसाल, कहां से माफ कर रहे हम जा रहे हैं, जा रहे हैं दूसरा मिसाल लगाओ भाई, हमें तो बचा लो। अरे हम मर गए मेरे अल्लाह, प्यार की राह में कुछ भी न मिला है सितम। दूर तक नक्शे कदम, नक्शे कदम, नक्शे कदम। अजियो अजियो मेरे शायर आजम। बाबा बाबा सुभानअल्लाह, मियां जानी मुकर्रर इरशाद, मुकर्रर इरशाद। दूर तक नक्शे कदम, नक्शे कदम, नक्शे कदम। हाय 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 हाय, सुभानअल्लाह क्या मिसरा लगाया है, सलामत रहो बरकरदार। अगर आज तुम ना होते तो हम कांधों पर उठ गए होते। जिंदगी तो खुदा की देन है क़िबला, बंदा तो एक मामूली इंसान है, जहर किस्मत की मेरी वजह से आपकी उलझन दूर हो। मियां जाने बहुत बड़ी उलझन, जिंदगी और मौत का सवाल था। क्या नाम है मेरे मोहसिन का? नाम से बदनाम होने का डर है इसलिए गुमनाम है तुम्हें। बात को शायरी के साथ साथ टुकड़े भी अच्छे लगाते हो, जरूर कोई मजे हुए फनकार मालूम होते हो। फनकार तो खुदा की जात है, बंदा तो एक मुसाफिर है, बेकार है। ऐसी इंकसारी तो हमने आज तक नहीं देखी। मियां जानी तुम्हें नाम की जरूरत हो या न हो, लेकिन किसी को तुम्हारे कलाम की सख्त जरूरत है। चलो मेरे साथ। वहाँ जहाँ की शायरी को चौथे फलक पर पहुँचाया जाता है। मियां जानी आओ तो सही, दूर तक नशे कदम, नशे कदम, नशे कदम। आज तो हसबैंड मियां बच गए वरना गए थे। चाचा मिश्रा मुझे याद था, मौका देख के लगा देता, लेकिन वो पहले ही उचक ले गया। इसे अपना ही घर समझो। लेकिन तुम मुझे ले कहाँ है? कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, कदरदानों का इदारा है, आंगन में फव्वारा है और कोठे पे चौबारा है और धा चढ़कर तुम ना करता है। अब इधर चले आओ। सुभान अल्लाह है। जी हाँ आधा वर्ष। जी 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 वालेकुम सलाम। कहिए हरफन मियाँ, ये विवक कैसे आना हुआ? हाय मियाँ जानी, कभी कभी बहुत गैर शायराना बातें करते हो, भला हरफन मौला भी कभी बेवक्त आए हैं? नन्हे खान साहब, नाच और गाने की महफिल अच्छे कलाम के बगैर बिल्कुल ऐसी है जैसी के बेनमक की दाल। मालूम होता है आज कोई दूर की गौड़ी लाए हो हरफन मियाँ। क्यों मियाँ जानी,
आजकल शौक में कुछ कमी देख रहा हूँ जो दमड़ी कौड़ी की बातें कर रहे हो। अमा मैं तो तख्ते ताऊ से कोहे नूर चुरा कर लाया हूँ। ये है शायर आजम, बोलते हैं तो फूल बरसते हैं और जब शेर पढ़ते हैं तो मियाँ जानी चश्मे उबलते हैं चश्मे जिया। वाह वाह सुभान अल्लाह, हमें तो एक अरसे से जैसे शायर की तलाश थी। अब मियाँ जानी अभी तो आपने इनकी सूरत ही देखी है, जब कलाम सुनेंगे तो दीवाने हो जाएंगे जिया। हाँ हाँ क्यों नहीं, कुछ दिन पहले जब आप एक धोबी पकड़ लाए थे तब भी तो हम दीवाने हो गए थे। अब्बा हरफन चचा तो हर उस आदमी को शायर मान लेते हैं जिसका हुलिया फकीरों जैसा हो और चेहरे पर वहशत बरसती हो। हमारे घर को मुसाफिर खाना समझ रखा है। आपका घर आपको मुबारक हो, बंदा मुसाफिर जरूर है लेकिन खुदा के घर भी बिन बुलाए जाने को तैयार नहीं। हंसो जी भर के मेरे हाल पर लेकिन जरा सोचो तुम्हारे हाल पर भी हंस दिया कोई तो क्या होगा। सुभान अल्लाह। आदाब। अरे मियाँ जानी कहाँ जाते हो, मजाक का बुरा मान गए। लड़की अनजान है, बातों में नादान है, मगर दिली दिल में पशेमान है। हरफन मियाँ बात का घाव तलवार के घाव से कहीं ज्यादा होता है। मैं यहाँ आया नहीं, लाया गया। हुजूर मैं अपनी बेटी की तरफ से माफी चाहता। अब मियाँ जानी चलो माफ भी कर दो, ये लड़की जबान की गर्म है मगर तबीयत की नरम है, शायरी का जौक है और सीखने का शौक है। जिया आप जैसे ताहिबे कमाल का थोड़ा सा कलाम हासिल हो जाए तो हम गरीबों की जिंदगी सुधर जाए। अरे बेटी खली खली क्या मुँह देखती है, जा कुछ नाश्ते पानी का बंदोबस्त कर। नाश्ता पानी किसी भले आदमी के लिए संभाल के रखिए, खुदा हाफिज। सुनिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अरे शबनम बेटी माफ कर दिया, शायर का दिल है किसी पहलवान का नहीं। क्यों मियाँ जानी है? चलो हरफन मियाँ इन्हें मेहमान खाने ले चले। हाँ चल एक देखो बेटी नाश्ता जरा अच्छा भेजना सोच समझ कर, मैं भी हूँ। आओ मियाँ जानी। अंधेरे में क्यों बैठे हैं, आवाज देकर रोशनी मांगी होती। शमा की रोशनी से भी कहीं अंधेरे दूर होते हैं। दिल के अंधेरे तो दूर नहीं होते, आंखों के अंधेरे जरूर दूर हो जाते हैं। तस्लीम। खुदा हाफिज। बाबा हजरत, बाबा हजरत। कौन? बेटी जहान। बाबा हजरत को मैंने कई बार पुकारा लेकिन ख्यालात में खोया हुआ पाया। क्या सोच रहे थे आप? हम सोच रहे थे इस बरादरी का नामो निशान बाकी न रहे, इसे खुदवा कर फेंक दे। क्यों बाबा हजरत? ये बारादरी हमेशा हमें मुमताज की याद दिलाकर परेशान करती है। बाबा हजरत बारादरी तो खोद के फेंकी जा सकती है लेकिन उस दिल को क्या करेंगे जिसमें यादें हर घड़ी उनका सोग मनाती रहती हैं, जो कभी न मिलने की कसम खा के मौत के आगोश में हमेशा की नींद सो चुके हैं। चलिए बाबा हजरत यादें ही तो अब जीने का सहारा है। बाबा